हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। योगी जी अपनी सीट पार कर लेंगे पूर्ण तरीके से, 380 सीटों से हम आगे जा रहे हैं योगी सरकार के द्वारा। प्रलोभन तो दे रही है सपा और बसपा भी, कह रहे को दावा भी कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, ऐसा क्या लगता है आपको? अपने अपने दावा तो सभी करते हैं लेकिन कोई टक्कर में नहीं है, 380 सीटों से ऊपर जाएगी हमारी पार्टी। अच्छा अनिल सिंह की गुलाबी जिंदाबाद, ये बात तुम देख सकते हो आप लोग, आप 8 जन समूह है और ये सारे लोग कह रहे हैं कि 2022 का चुनाव क्लियर है कि योगी जी ही जीतेंगे, ये दावा करें। हमारे यहाँ प्रवास से अनिल सिंह जीतेंगे और 380 सीटों के पास हम लोग जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा काम किया है हमारे यहाँ कि किसी की कहने की जरूरत नहीं है, जनता खुद बता रही है 380 सीटें इस बार पार हो रही है। पैसा भी बहुत आ गया है मेरे ख्याल जी, पैसा भी अभी आए थे केशव स्वामी मौर्य जी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने पैसा भी आपके यहाँ के विकास के लिए बहुत रुपया दिया है। हमारा जिला ही ऐसा है, हमारा जिला ही देवाधरपुर जी है, हमारे जिले में ऐसे लोग हैं, महान लोग हैं। अभी उप मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने ऐसी सौगात हमारे जिले को दी और हमारा जिला देख रहा है फिर भी 6 की 6 सीटें उन्हीं नाम जाएंगी। केशव जी आए हमारी पूर्वा विधानसभा से, अनिल सिंह से आगे कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि विशाल जनसमूह है और बड़ा ही जोश लोगों में है और जयकारे भी लगा रहे हैं। एक बार ये है पब्लिक, योगी जी के भेड़ की है पब्लिक है, योगी जी के सपोर्टरों की है पब्लिक है। आप देखते रहिए यूनिट यूपी अजय द्विवेदी के साथ, हम आपको हर अपडेट दिखाते रहेंगे। बलवानी हो सकता है, कहाँ से आए भैया? लंगरपुर से। लंगरपुर से आए, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार शुक्ल। तो शुक्ला जी क्या लगता है इस बार आपको कि बीजेपी निकलेगी, सपा बाजी मार देगी, बसपा भी तैयार बैठी है? नहीं, पूर्ण रूप से बीजेपी की जीत होगी हमारे, पूर्ण रूप से बीजेपी, पूर्ण रूप से। आप दावा कर रहे हैं? बिल्कुल दावा कर रहे हैं, का दावा है। तो आप जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अपार भीड़ है, अपार जनसमूह है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई बलवान न हो, इसलिए हर तरीके के यंत्र, बम स्क्वाड, हर तरह महिला फोर्स और सारी उन्नाव जिले की फोर्स यहाँ पे मौजूद है। कहाँ से है? मिर्जापुर से। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जयशंकर। तो वोट देने का मूड से आए हैं या सिर्फ ऐसे ही आए भीड़ में, भीड़ के लिए आए? वोट देने के मूड से आए। वोट देने के मूड से आए। तो किसकी सरकार इस बार बना रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी। प्रलोभन तो समाजवादी पार्टी भी दे रही है, बसपा भी दे रही है, उसके विचार में क्या विचार है आपका? क्या चीज? प्रलोभन तो लालच तो आपको सपा और बसपा भी दे रही है, आपको क्या लगता है? प्रलोभन तो सारी पार्टियां देती हैं, लेकिन जो जिस मूड में हो वही काम करता, वही काम काफी है। ठीक है, चलते रहिए, प्रशासन के साथ चलते रहिए, क्योंकि भीड़ एक जगह झप्पे न हो पाए, और हम आपको दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए। यूनिट यूपी अजय द्विवेदी के साथ।